हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। और आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। अगर आप देखेंगे तो मेरा पूरा घर जो है वो खाली हो गया है। एक्चुअली हम लोग ये बेड छोड़ के जा रहे हैं। ये जो मतलब मेरा 2 BHK था ना यहाँ पे, तो हमने एक रूम को में ऑलमोस्ट सारा सामान डाल दिया है एंड बाकी 1 BHK रेंट पर देने वाले हैं फुल फर्निश्ड। तो ये बेड छोड़ दिया है एंड किचन विचन अगर आप देखेंगे तो सब पूरा खाली हो गया है। तो बस अब 1 आवर में हम लोग निकल जाएंगे, कैब आ जाएगी मुंबई के लिए। एंड अभी मैं जस्ट नहा करके निकली हूँ, सो आई थॉट कि ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड मैनेज हो रहा है सब कुछ। मेरे एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, जिनकी वजह से सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथली मैनेज हो गई। बच्चे के साथ में अदरवाइज़ खाने पीने का बहुत इशू आता। तो हो गया, अभी फिर से मैं जा रही हूँ मेरी फ्रेंड के आई। एक फ्रेंड ने टिफ़िन बना के दे दिया, एक फ्रेंड क्या नाश्ता और खाना हो जाएगा। तो मतलब फ्रेंड कम फैमिली है देखा जाए तो ज़्यादा लोड नहीं आया हम लोगों को, ज़्यादा टेंशन नहीं हुई। बाहर का खाना नहीं खाना पड़ा, स्पेशली घर का ही खाना हो गया। यार ये टॉवल्स रह गए बाहर। यस, फिर बाहर रख देते हैं क्योंकि गीले हैं। यस, तो चलिए अभी चलते हैं। राम हाई कर दो। चलिए चलते हैं अब हम। मैं फिर रास्ते में सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, ठीक है। विथ हैवी हार्ट हम पुणे से निकल गए थे और निकलते ही राम जो है वो सो गया था क्योंकि वो बहुत थक गया था मस्ती कर करके। एंड हम लोगों की मतलब जितना भी लगेज था ना, थैंकफुली एक ही गाड़ी में आ गया था। हम लोग एक्चुअली बहुत टेंशन में थे कि यार इतना सारा लगेज है, ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम आए रखने में, बट हो गया था। और हम लोग पहले गए मुंबई। मुंबई में हम थोड़ी देर रुकने वाले थे, डायरेक्ट इसलिए नहीं करा, नहीं तो बच्चे बहुत एग्जॉस्ट हो जाते। तो हमने पहले सोचा कि मुंबई पहुंच के वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, आराम करेंगे होटल में एंड देन रात की मतलब लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट थी। तो ये मुंबई पहुँच गए हैं हम एंड काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे क्योंकि ट्रैफिक था नहीं, और बहुत ही क्विकली पहुंच गए। मेरे फ्रेंड ने टिफ़िन बना के दिया था तो मैंने बच्चों को मतलब 2 टिफ़िन थे, तो एक मैंने बच्चों को कार में खिला दिया था और फिर एक रूम पहुंचते ही। तो ये हम लोगों के लिए रूम जो है वो ये वाला अरेंज हुआ था, मतलब होटल जो था ये। तो पहुंच के पहले सारा सामान उतारा और हर वक्त हम बस काउंट कर रहे थे कि कितने बैग्स या बैग कम तो नहीं हुए। तो मुंबई पहुँच गए हम लोग। ये हमारा गेस्ट रूम या फिर होटल बोल सकते हैं आप। ये हमारे सारे बैग और ये हूँ मैं। टोटल हो रहे हैं 13 बैग्स, जिसमें से हमारे चेक इन बैग्स 7 हैं, बाकी केबिन बैग्स हैं। क्या हुआ? सब वॉशरूम, मेरी टेंटर ने बुलाया वॉशरूम दिखाने को। बेटा उसका हैंड वॉश आप करा रही हैं, कपड़े गीले नहीं करना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली हम लोग बिल्कुल 1 go में आ गए मुंबई, मतलब कहीं नहीं रुके, बस वहाँ से जो चले हैं अराउंड 12:30 बजे, यहाँ 4:30 बजे पहुँच गए। और बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा सोऊं क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से सिर्फ मैक्सिमम 5-6 घंटे की नींद हो रही है, उससे ज़्यादा नहीं हो रही। और दिन भर इतना हेक्टिक चल रहा था ना पैकिंग एंड ऑल के चक्कर में। सो अभी तो हम सोएंगे थोड़ी देर, कुछ खाते हैं। खाना मेरी फ्रेंड ने दिया है बना करके, पूरी सब्ज़ी थोड़ा थोड़ा वो खाएंगे, बहुत भूख तो नहीं लगी, फिर उसको सोएंगे। फिर रात में यहाँ से निकलेंगे लेट नाइट अराउंड 1 बजे के आसपास, क्योंकि हम लोगों की जो मुंबई से फ़्लाइट है अबू धाबी के लिए वो है 4:30 बजे एंड देन अबू धाबी से 6 बजे, 4:30 बजे चलेंगे तो 6 बजे पहुँच जाएंगे अबू धाबी। एंड देन 10 बजे है वॉशिंगटन DC के लिए हमारी फ्लाइट। सो बस। हाँ बेटा आ रही हूँ। क्या किया दीदी ने, हैंड वॉश किया? ओके। डिनर करने के बाद हम लोग नीचे आए और नीचे आके पता चला कि यहाँ हम लोग एक्चुअली बहुत ही प्राइम लोकेशन पर रुके थे, और हमें पता चला कि यहाँ पास में बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। और मुंबई का आइडिया हम दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी को कुछ भी नहीं है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है मैं वॉचमैन से पता करता हूँ यहाँ पे पास में क्या है। एंड पता करने के बाद पता चला कि जुहू बीच बहुत ही पास में था। जस्ट अभी हम लोगों ने अपना डिनर किया है, वहीं होटल में ही किया, और बाहर निकले हैं। हेलो,
10 बज रहे हैं रात के। हमने सोचा कहीं घूमने जाएं बट बहुत लेट हो गया है, 2 घंटे बाद तो हमारी कैब आ जाएगी एयरपोर्ट ले जाने के लिए। रामनो टिम टिम जिद करने लग गई, उसको जाना था बीच, तो हमने सोचा चलो ठीक है अभी तो टाइम है चलते हैं। और मुंबई ऐसा है कि हमेशा चलता रहता है, रात में भी बहुत क्राउड होता है, तो हमने सोचा ऑटो वगैरह मिल ही जाएगा तो चले जाते हैं। तो हम जुहू बीच पहुंच गए, बट एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी बहुत ही डिफरेंट था। मतलब वैसे मैंने सुना भी था कि जुहू बीच बहुत क्राउडेड होता है, क्लीन नहीं होता, तो वैसे ही था, काफ़ी क्राउडेड था, क्लीन बिल्कुल भी नहीं था। बट ठीक है कोई बात नहीं, वो एक बीच पे जाने के बाद में अच्छा लगता है ना, वैसा अच्छा लग रहा था। और सबसे बड़ी बात टिमटिम हैप्पी थी, उसको बहुत मन था बीच जाने का। वैसे उसको बहुत कंट्रोल करा हमने कि पानी में नहीं जाना, और उसने बात मानी और वो पानी में नहीं गई। हाँ हाथ मुँह धुला दीजिए। सो अब मैं मतलब फाइनली रेडी, मैं रेडी हो गई और टिमटिम रेडी हो गए, हम लोग बस अब एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं आधे घंटे में। सो मैंने ये इसका वैसे मैंने गेट रेडी विद मी ऐसे ही शूट कर लिया इंस्टा के लिए। एंड ये लूज सी टी शर्ट पहनी है, अंदर वाइट टी शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट्स पहने हैं। एंड बस अब मैं राम को रेडी करूँगी, मैं तब तक के अपना सारा स्किन केयर, मैंने एक्चुअली जो अभी निकाला था स्किन केयर ही करके जा रही हूँ यार। फ्लाइट फ्लाइट में कहाँ मेकअप करके जाने का मन करता है, वो भी रात की फ्लाइट है और इतनी लंबी फ्लाइट, तो इसमें मेकअप करके जाना तो लाइक सॉरी बस लिपस्टिक लगाई, तो इसमें मैंने मेरा जो भी थोड़ा बहुत स्किन केयर है ना वो कैरी किया हुआ है, जैसे लिप बाम हो गया, क्रीम हो गई, कोम हो गई, रबर बैंड हो गया, ये छोटा सा परफ्यूम का बॉटल हो गया, 50 ml से कम है ये, 20 ml का ही है। सो ये हो गया मेरा स्किन केयर का पाउच पैक। यार इसमें डाइपर क्रीम में है ना राम की, उसको मैं पहले डायपर क्रीम पहनाऊंगी। टिमटिम उसमें वहाँ पे राम का सॉक्स है क्या बेबी, जल्दी देखो उसमें। हाँ नहीं वो मेरा है ना, चलो मैं राम का भी निकाल लिया। आ जाओ राम आपको रेडी कर दूँ। होने दो, रिकॉर्डिंग होने दो, आपको टच नहीं करना है। हाय। चलो लेट जाओ, आपको पहले मैं रैश क्रीम थोड़ा लगा देती हूँ। क्या चाचा वो निकालता नहीं है। रुक जा रुक जा रुक जा दे रहे हैं, रुक जा बैठ बैठ दीदी, दे रही है दे रही है, दे दे यार टिमटिम टिमटिम इसी ले तो लिया था चाचा को। यहाँ हम लोग लेट नाइट अराउंड 1:15 निकल गए थे होटल से मुंबई एयरपोर्ट के लिए। और यार मेरे बच्चे सोते ही नहीं, चलो टिमटिम तो बड़ी है थोड़ी, बट राम भी नहीं सोता यार। लाइक हम लोगों की 4 बजे की फ़्लाइट थी और वो 3:30 तक जगा हुआ था, चार मतलब फ़्लाइट में चढ़ने के इमीडिएटली पहले वो सोया था। और काफ़ी नज़दीक था एक्चुअली हम जहाँ हमने जहाँ स्टे किया था ना वहाँ से जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई का, कितना खूबसूरत है यार ये देखो आप, मैंने खुद ने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा क्योंकि मैं पहली बार ही इंटरनेशनली ट्रैवल कर रही हूँ। इतना सुंदर, दूर से भी ऐसा लगता है पूरा, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हम लोगों का लगेज एक्चुअली इतना ज़्यादा था कि हमने 3 ट्रॉलीज ली, और बट फिर भी पता हमें जितनी कैपेसिटी थी, हम जो 4 ट्रैवलर्स ले सकते थे उसमें भी हमने 1 बैग कम ही लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा बैग नहीं लेने दे रहे थे, उनके अकॉर्डिंग बहुत लगेज लेके नहीं ट्रैवल करना है, कम लेके चलो। तो ठीक है, अगर आपको जानना होगा कितना लेके ट्रैवल कर सकते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी। और ये देखिए कितना मज़ा कर रहा है मेरा बेटा इतनी रात में। ये हम लोग सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह सब करा के आके बैठे थे, गेट पर आ गए थे और हमारी फ़्लाइट का वेट कर रहे थे। अराउंड 3 बज रहे हैं ये रात के और ये चल रहा है। एंड फिर हमारी फ़्लाइट थी 4:30 की अबू धाबी के लिए, और ये बस उसमें जस्ट हम लोग चढ़े ही थे। सो मैंने सोचा चलो मैं एक क्लिप बनाती हूँ, अभी सब लोग ऊपर आ रहे थे हम, मतलब इसमें क्या रो के अकॉर्डिंग, ताकि ज़्यादा क्राउड ना हो, रो के अकॉर्डिंग सबको अंदर भेज रहे थे, तो हमारा नंबर आ गया था और हम जा कर के अंदर बैठ गए थे। और मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा भी, एहतियात एयरवेज था, काफ़ी सही था, खाने से लेके हर एक चीज़ अच्छा लगा। 3 घंटे की फ़्लाइट थी
और पता ही नहीं चला वो 3 घंटे कब चले गए, क्योंकि राम पूरे टाइम सो रहा था थैंकफुली। और मतलब ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड इवन हम लोगों को अबू धाबी में रुकना है 4 आवर्स के लिए, और फिर उसके बाद हमारी 14 आवर्स की फ़्लाइट है, वो भी एहतियात की ही है, तो वो भी काफ़ी सही था एहतियात का। मतलब मैंने सुना था कि अच्छा होता है, और एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। सो राम को मैंने उसके बीच की सीट में सुला दिया था केयरफुली, बट आपको टेक ऑफ के टाइम पर और लैंडिंग के टाइम पर बच्चे को ऐसे नहीं लेना होता है, उसको गोदी में ले लेना होता है। और फिर हमारा आ गया था खाना, जिसमें था फ्रूट, कुछ डेजर्ट था, ब्रेड थी, और ये क्या था, जैम था, क्रोसन था, बेसिकली ब्रेड नहीं था, और फिर टिक्की थी किसी चीज़ की, और थोड़ा सा पोहा था और चटनी थी। तो इतना कुछ तो खाया नहीं जा रहा था, और एक वाटर बॉटल भी था, इतना कुछ तो नहीं खाया जा रहा था, बट स्टिल मैंने फ्रूट वगैरह खाया, इन्जॉय किया। और मैंने बहुत सारी रील्स बनाई हैं, एंड अब मैं 1 by 1 सारी रील्स लाइव करूँगी इंस्टा पर। तो अगर आप इंस्टा पर नहीं फॉलो करते ना मुझे, तो फॉलो कर लीजिए। सो पूरा तो नहीं खाया था मैंने, मोस्टली जो फ्रूट और जो डेज़र्ट था ना वो खा लिया था, क्योंकि मुझे पोहा वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा था। एंड हम 6 बजे पहुंच गए थे कहाँ, अबू धाबी, मतलब जो अबू धाबी का लोकल टाइम है 6 बजे, उस पर पहुँच गए थे। और फिर ये लैंड होते हुए हम बिल्कुल भी अच्छे क्लिप्स नहीं बना पाए, बिकॉज टिमटिम बैठ गई थी खिड़की की तरफ, और उसने कुछ इन्जॉय भी नहीं किया, और मुझे क्लिप्स भी नहीं बनाने दिया। एंड ये है अबू धाबी का सीन, मतलब हम यहाँ जब पहुँच गए थे और फिगर आउट कर रहे थे कि अब कहाँ जाना है तब का। सो इस व्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर, एंड नेक्स्ट व्लॉग में हम चलेंगे अबू धाबी से फाइनली USA। एक्चुअली क्या वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए यहीं पर इस वीडियो को मैं कर रही हूँ कट। एंड स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट वीडियो के लिए, पार्ट 2 के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।